चैनल, आई एम अंजलि, होप यू ऑल आर वेल। सो आज देखो पीछे कितना अच्छा है ना सब कुछ। सो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लाई हूँ करने के लिए। आज हम करने वाले हैं 100 रुपीज चैलेंज, 100 रुपये फूड चैलेंज और 24 आवर, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैं ये सिर्फ 100 रुपीज़ में करने वाली हूँ, ठीक है? तो देखते हैं, चलते हैं अभी। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और अभी बज रहे हैं 9, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। सो मतलब लेट उठती, मतलब मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। सो क्या हुआ कि आने में लेट हो गया, तो इस वजह से। और अब मैं ये 100 रुपीज़ में आज पूरा दिन निकालूँगी, सुबह और शाम। तो देखते हैं गाइस, चलते हैं और करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। अभी हम जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और देखते हैं, घूमना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए कि क्या मिलता है। कि आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ठंड है बट मुझे ठंड लग रही है, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा जैकेट पहन लिया। और बारिश का मौसम है, मतलब धूप भी आ रही है और मौसम वेदर थोड़ा ऊपर नीचे चल ही रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। सो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना बिल्कुल, ओके? तो मिलते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल सकता है और फिर हम चलते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस हम आ गए हैं और एक होटल देखा है हमने, जहाँ पे उडुपी नाम से, यहाँ पे बहुत फेमस है, सब जगह होटल है। तो हम जाते हैं और एक होटल देखा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है खाने को। मैं सोच रही हूँ कि इडली डोसा कुछ ऐसा खा लेती, क्योंकि ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ब्रेकफास्ट भी इसमें बहुत अच्छा होता है और मेरा फेवरेट भी है। सो लेट्स गो एंड चेक दिस कि क्या क्या है वहाँ पे। सो गाइज अब हम आ गए हैं और अब हम इधर चेक करते हैं कि इधर क्या क्या है, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो इनका मेन्यू है। सो मुझे लग रहा है मेरे बजट के अंदर इडली आ सकती है, सो मैं इडली ले लेती हूँ। और क्योंकि आगे डिनर और लंच का भी करना है, सो ये चैलेंज में नहीं आना चाहती, ओके? तो गाइस हमारा आ गया है ये, देखो देखो, 1 इडली और मेरे लिए काफ़ी है और उसके साथ ही चटनी भी है, तो चलो खाते हैं। यहाँ पे ना इतना सारा जो सांभर है, इतना सारा सांभर देते हैं और इडली, एक इडली का काफ़ी है क्योंकि ये पेट भर जाता है इससे, बट दो भी ले सकते हो, 30 रुपीज़ का दो आएगा। टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। अच्छा, मुझे ब्रेकफास्ट मिल गया, गुड गुड, बहुत अच्छा। होता है, मतलब इतना स्पाइसी नहीं होता और बिल्कुल उसमें स्वीट का फ्लेवर आता है। तो गाइस मेरा तो हो गया ब्रेकफास्ट और अब हम मिलेंगे लंच में। बहुत बहुत जल्दी है हूँ यहाँ पे, बहुत ढूंढने के बाद मुझे कुछ मिला है यहाँ। सो गाइस चलो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। तो अब लंच का टाइम हो गया है और मैंने तो हो चुका है, तो बहुत जगह मैंने ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, मतलब मेरे बजट में नहीं मिल रहा था मुझे। और यहाँ पूछ के देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है? तो गाइस वहाँ तो मुझे कुछ बजट में नहीं मिला, बहुत महंगा था, मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे बजट में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मैं वो 70 बोल रहा था और अगर 70 में मैं वहाँ पे वो खा लेती तो फिर 100 रुपीज़ में फिर मेरा डिनर नहीं हो पाता, ब्रेकफास्ट हो गया। तो अब मुझे मिला है बहुत अच्छी जगह, जैसे फर्स्ट में मैंने ब्रेकफास्ट में इडली खाया, वैसे ही अब मैं यहाँ पर डोसा खाने वाली हूँ। सो उनका बहुत अच्छा है और मैंने, चलो चल के पूछते हैं, मतलब देखो बैठने का भी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो अच्छा है, बना हुआ
हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या है और बजट में है, तो मैं ज़रूर खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और एक इडली से मेरा कुछ भी नहीं हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी क्योंकि एक इडली से तो कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं यहाँ क्या मिलते हैं, जितना भी बचा मैं यहाँ पर 30-40-50 रुपीज़ तक में कुछ मिलता है तो मैं सोच रही हूँ मैं खा लेती हूँ क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। देखो कितना अच्छा है ना डोसा, एकदम पत्ते में, और ये मतलब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये बटर है इसके ऊपर, और ये मसाला डोसा है, और ये कोकोनट चटनी है। और गाइस एक चीज़ और कि इन्होंने मुझे एक डोसा एक्स्ट्रा दिया है, मसाला डोसा मेरे लिए एक्स्ट्रा ला रहे हैं, उन्होंने बोला हम आपको एक्स्ट्रा देंगे मेरे लिए। तो मुझे दो मिल रहे हैं, मतलब मैंने एक ही दिया था क्योंकि मेरा बजट इतना नहीं था, तो मेरे लिए तो एक बहुत है, बट वो मुझे गिफ्ट में एक और गिफ्ट क्या बोल सकती हूँ, तो मुझे वो एक और दे रहे हैं और एक और आ रहा है, तो अब हम दो इन्जॉय करेंगे। चलो अच्छा है, मुझे एक और ट्रीट मिल रही है उनकी तरफ से और दे रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ। हे वाओ, लुक एट दिस, ये पूरा मतलब इसमें ना घी की इतनी ज़्यादा घी की स्मेल आ रही गाइस, मतलब आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा हॉट है। दो डोसा देखो इन्होंने मुझे दिया है, ये एक्स्ट्रा डोसा दिया है, और ये क्या है, आलू। हाँ ओके, आलू होता ना वो, दो डोसा इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, थैंक यू। और चलो मैं दोनों टेस्ट करके बताती कैसा है, दोनों बहुत टेस्टी है और मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। साउथ इंडियन डिश में मुझे डोसा इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी साउथ इंडियन डिश मैंने ट्राई नहीं किया है। और ओके सो फर्स्ट हम ये करते हैं, आई विल ट्राई दिस विद कोकोनट चटनी। सुपर गाइस, बहुत अच्छा, बहुत। मेरे किसी फ्रेंड्स को अगर साउथ इंडियन डिश ट्राई करनी है बैंगलोर में तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको लेके आऊँगी। बहुत अच्छा है, बहुत सीरियस है ये जगह। देखो गाइस प्लेन है बट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं टेस्ट नहीं बता सकती बट बहुत अच्छा, और मुझे मसाला डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके अंदर है आलू पोटैटो, तो हम इसको इसमें भी लगा के खाएंगे, और इतना ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ठीक है। देखो यहाँ से और बहुत मैं ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ये वाला ट्राई करती हूँ। सुपर, बहुत हार्ड बेस्ट, बहुत भूख लग रही थी, अब भूख लगने में मैं कुछ भी खा सकती हूँ बट ये कुछ ज़्यादा डिलीशियस है। मैं YouTube पे नीचे मेंशन करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और प्लेस का नाम क्या है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आप आके एड्रेस आपका क्या है? रामदेव का ना दापुर इंडिया डी रोड अद्दूर मेन रोड अल्ले राइट साइड है। उन्होंने बता दिया है और दावणगेरे पन्ने तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से और अब हम मिलेंगे 7:00, तो मैं आपसे मिलती 7:00। ओके सो गाइज अब है डिनर टाइम और मैं डिनर के लिए आ गई हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं आप
मोमो मोमो तो मुझे घूम घाम के तो यही जगह मिली थी मोमो, क्योंकि मोमो मुझे लगता है कि मेरे पास 35 rupees है, तो मुझे लगता है कि मोमो मुझे 30 rupees तक तो मिल ही जाएगा। तो चलो पूछते हैं इनसे, और अगर ये मुझे हाफ प्लेट देते तो मैं वही ले लेती डिनर में, क्योंकि और कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकती। 30 rupees मोमो कितना है? कौन से मैम? चिकन मोमो 60 rupees और हाफ प्लेट 30 ओके हाफ प्लेट। तो गाइस मुझे 30 rupees की हाफ प्लेट मिल गई है, चलो थैंक गॉड मुझे 30 rupees में हो गया। अब मेरे पास बचेंगे 5 rupees, तो 5 rupees में मैं स्वीट्स खाती नहीं हूँ, बट 5 rupees में चलो देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। तो गाइस देखो हैव अ लुक, तो ये बहुत कम है बट मेरे लिए बहुत ही, मैंने एक्चुअली ये मैंने लिया 30 rupees का और उन्होंने मुझे 5 piece दिया है 30 rupees में। तो टेस्ट करके बताते कैसा है। बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सीरियसली मोमो तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। किस किस के फेवरेट है? सबके होते हैं, मतलब मेरा बहुत है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ऐसा लग रहा है ये गरम गरम मिल जाता क्या बात है, और बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे मोमोज बहुत पसंद है, वेदर यहाँ पे इतना ठंडा हो रखा है, आपने देख ही अपना तो मैंने जैकेट डाल रखा है, बहुत ज़्यादा वेदर ठंडा है, तो उस वजह से आप अगर ये पियो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओके मैं ये खाने वाली हूँ, और रात की 8 बज रही है और मेरा ये डिनर हो रहा है, तो मेरा तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और मेरे पास अब बचेंगे 5 rupees, क्योंकि मेरे पास है 35 rupees, और अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 5 rupees, तो मुझे नहीं पता 5 rupees का क्या आएगा। तो ठीक है मैं ये खाती हूँ, और 5 rupees में मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं देखती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस जो मेरे पास 5 रुपये बचे थे ना, उस 5 रुपये में मैंने लिए ये डेरी मिल्क 5 rupees की, और ये मीठा हो गया, जैसे बोलते हैं डेजर्ट करना चाहिए। मैं तो वैसे डेजर्ट नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत से लोग खाते हैं, बट मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं डेजर्ट खाऊं, क्योंकि पैसे भी नहीं थे और मैं खाती भी नहीं हूँ, बट 5 rupees मुझे बच गए तो मैंने कुछ चलो ठीक है कुछ ले लेती हूँ। ये खुल भी नहीं रही है और पिघल चुकी है, और मैं चॉकलेट्स ही नहीं खाती हूँ। एडो मेरा हो चुका है कंप्लीट गाइस, ये मैंने ले लिया 5 rupees की डेयरी मिल्क, और मेरा ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, और शायद मैं ये चैलेंज जीत भी गई हूँ, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ प्लीज़ गाइस, और नेक्स्ट टाइम मैं चैलेंज और लाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा चैलेंज करने में, मज़ा आया। तो और देखती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ या नहीं, ये मुझसे ओपन भी नहीं हो रही है, तो मैं इसे घर जाके खाऊंगी खोल कर, ये मुझसे नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं इसे घर जाके खाती हूँ। और गाइस प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक सब कुछ कर दें, ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए प्लीज़, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।